राकेश बाबू, और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। फिल्म की बात करें तो अभी जो हमने फिल्म कंप्लीट कर ली है, भाभी की बारात, जिसका अभी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। कलाकारों की बात करें तो आपके अलावा कौन कौन लोग हैं इसमें? इसमें कुलदीप जी हैं, श्लेषा मिश्रा जी हैं, सोनाली मिश्रा जी हैं, प्रेम जी हैं, ऐसे और कई कलाकार हैं। और सर, जैसे आपने टाइटल की बात की भाभी जी की बारात, तो अगर थोड़ा सा अगर फिल्म के बारे में बताएं, और लोग मुझे लगता है अभी से गेस्ट करने वाले हैं जब टाइटल की बात करते हैं, तो थोड़ा सा फिल्म के बारे में बताइए और टाइटल कैसे हाँ, कनेक्ट करेगा फिल्म को। एक्चुअली टाइटल से बहुत कुछ रिवील हो रहा है कि भाभी की बारात। तो मैं भी रिवील नहीं कर सकता, मतलब मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारा सस्पेंस छिपा हुआ है। तो ये पब्लिक जब मूवी देखे तो ही जाने कि आखिर ये टाइटल से क्या कनेक्शन है। और अगर किरदार के बारे में बताए कि आप कौन सा किरदार प्ले कर रहे हो, और अगर थोड़ा सा तैयारी के बारे में बताए, क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी उस किरदार को निभाने के लिए? हाँ, मेरा जो किरदार है वो इसमें अभी तक जो मैंने किया उन सबसे थोड़ा अलग है। ये जो कैरेक्टर है, ये जो लड़का है, घर का एक जिम्मेदार लड़का है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कुछ उसके साथ हादसे भी हुए हैं, तो उन सब चीज़ों को लेते हुए वो किस तरह से मतलब अपनी तकलीफ़ों को शांत रखते हुए, दूर करते हुए, हंसी खुशी वो अपने परिवार के साथ कैसे जी रहा है, और उसके बाद उसके साथ क्या होता है, इन सब चीज़ों से घिरा हुआ है ये। और क्या तैयारियां करनी पड़ी किरदार के लिए, और शूट का एक्सपीरियंस कैसा रहा एज एन एक्टर? तैयारी तो करनी पड़ी इसमें कि एक्चुअली मैं इसमें हैंडीकैप्ड हूँ, तो वो जेस्चर पोस्चर थोड़ा सा अपनाने के लिए मुझे थोड़ा मेहनत करना पड़ा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ा कि हाँ मैं क्या करूँ जो मैं कंटिन्यू उसको मेंटेन कर सकूँ, क्योंकि वो पूरे फिल्म में मुझे वैसा दर्शाना है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बहुत वर्कआउट किया, सोचा कि हाँ किस तरह से मैं चलूँ कि वो कभी वो कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, मैं हमेशा उस तरह से ही चलते रहूँ। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे काम करना पड़ा, बाकी लेकिन मज़ा आया इस कैरेक्टर को करने फिल्म का में। क्या स्टेटस है? फिल्म का क्या स्टेटस है राकेश जी? फिल्म ऑलमोस्ट अभी पोस्ट प्रोडक्शन पे है, बहुत जल्द ही आपको सिनेमाघरों में या जहाँ भी आप देख सकते हैं आपके सामने होगी मूवी। लगभग समझिए आफ्टर 2-3 मंथ्स आपको इसका रिजल्ट, कुछ ना कुछ टीज़र या फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा। मुलाकात तो मैंने नहीं की, और जो मेरा प्रोसेस है एक्चुअली कि मैं अपने जो भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ जनरल डे टू डे लाइफ में, तो मैं कहीं भी जाता था तो लोगों को ऑब्जर्व करता था, और मेरे एक्टिंग का ये एक प्रोसेस भी है कि थोड़ा ऑब्जर्व, थोड़ा ऑब्जर्वेशन और थोड़ा अपना इनपुट, वो दोनों को मिक्स करके मैं परोसता हूँ उसमें जो बेहतर आता है। तो मैंने काफ़ी लोगों को रिकॉल किया, फिर कहीं जाता था तो देखता था आस पास में बहुत लोगों को, तो उनमें से कुछ कुछ करके थोड़ा मिक्सचर करके थोड़ा अपना इनपुट डाल के मैंने इसको प्रिपेयर राकेश जी, कहाँ से आते हैं आप और फिल्मों में कैसे आगमन आपका होता है? किया। मैं रांची झारखंड से हूँ, वहाँ पे तो था मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट था इस फील्ड में, बट कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैं वहाँ पे फिर थिएटर के बारे में पता चला, तो वहाँ पे मैं थिएटर करने लगा। थिएटर करते करते वहीं पे दूरदर्शन में काम मिला, और दूरदर्शन से फिर मैं 2016 में बॉम्बे आ गया, और फिर यहाँ पे कंटिन्यू कोशिश करते करते फिर मुझे काम मिलने लगा और मैं अभी काम कर रहा हूँ। कितनी फिल्में कर चुके हैं आप? भोजपुरी में मेरी 10 से 12 फिल्में रिलीज्ड हैं, 4-5 फिल्में फ्लोर पे हैं, ये भी अगर काउंट करें तो 6 फिल्में अभी मतलब अपकमिंग मूवीज हैं। इस फिल्म की बात करें, कब रिलीज करने का प्लान है और कब ऑडियंस देख पाएगी फिल्म को? हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अभी पोस्ट प्रोडक्शन ऑलमोस्ट एंड पे है, और विद इन 2-3 मंथ्स ऑडियंस को कुछ भी फर्स्ट लुक या टीजर देखने को मिल जाएगा। कुछ फिल्मों के नाम ले सकते हैं राकेश जी, जो आपकी रिसेंटली कंप्लीट हुई हो या जो रिलीज हो गई हो और जो अपकमिंग है? हाँ, रिलीज फिल्मों में मेरी है बहू हंटर वाली, कलेक्टर साहब, नैहर, लव कनेक्शन, और भी बहुत सारी फिल्में हैं, और जो अपकमिंग है वो है लव कनेक्शन 2, ये हर घर की यही कहानी, दुआ विवाह, और ये अपनी भाभी की बारात, इस तरह की और भी बहुत सारी फिल्में हैं, हर भाभी जी घर पे हैं, ये सारी फिल्में मेरी आने वाली हैं।